ये विरोध नहीं है, ये मांग है, और कि सहिष्णुता के साथ सम्यक व्यवहार अब किया जाए। उसके पति, उसके पुत्र की हत्या के बाद अब उसके साथ सम्यक व्यवहार हो और उसको माननीय अदालत में पेश किया जाए। उनके पुत्र की हत्या हुई है आप कह रहे हैं, और जी तो इनकाउंटर था? जी इनकाउंटर नहीं था, इसलिए कि दो दोनी चार होता है। इनकाउंटर में दोनों तरफ से गोली चलती है, ठीक से आप इसको जान लीजिए। इनकाउंटर में मुठभेड़ का मतलब होता है दोनों तरफ से हाथापाई, दोनों तरफ से गोली, एक तरफ से एक तरफा गोली मारी गई है, एसटीएफ ने मारा है। रिवाल्वर वैसे पड़ा था, सब वैसे पड़ा था, गाड़ी वैसे गिरी थी बिना नंबर बिना सब की। उधर से कोई काउंटर फाइट नहीं हुआ है, केवल एक तरफा गोली मारी गई है। सहिष्णुता के ऊपर इनाम घोषित है, कई मुकदमे दर्ज हैं, आप इतनी सहानुभूति क्यों दिखा रहे हैं? कोई सहानुभूति मैं नहीं दिखा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि प्रोसीजरल तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से, कानून के तहत दायरे में रख के आप इतना हॉरर एंड टेरर क्रिएट किए हुए हैं कि एक आप उसके उसके ऊपर उसके मानसिक स्थिति को देखिए कि पुत्र का मर्डर, पति का मर्डर, एक के बाद एक मर्डर, उसके बाद आप उसको दौड़ा रहे हैं। मैं माना कि उसके पास उसके ऊपर कोई अपराध हुआ हो, आप प्रोसीजर है, आप कानून के दायरे में आइए। इतना दहशत आखिर भय कायम है तभी ना वो भगती हुई, और भगने का लाजमी भी है कि देखते ही देखते उसके पति को मार दिया गया जो 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 हथकड़ी में था, पुलिस कस्टडी में, उससे भी बड़ा कानून को गोली मार दिया, सॉरी न्याय को गोली मार दिया गया, उसको डेथ से उसको आजीवन कारावार की सजा जब हो गई न्यायालय में, तब गोली कैसे आप मार देंगे भाई? सरेंडर कर देना चाहिए ना सहिष्णुता को। किसको सरेंडर कर देना चाहिए, कैसे सरेंडर कोई कर देगा, क्यों सरेंडर कर देगा, क्या पता है इस पुलिस के साथ और सम्यक। मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ न करिए, आप कहिए कि हाँ आप न्यायालय में कहीं भी हाजिर हो के न्यायालय के सामने प्रस्तुत होइए। और मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इतना बड़ा क्राइम हो गया है देश का कि 140 करोड़ में अकेली सहिष्णुता है कि इस तरीके से आप तलाश जारी है सहिष्णुता की, आप हमको इतने बताइए। मेरी मांग इतने हैं भैया, मैंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट से और ऑनरेबल गवर्नर महोदया की तरफ से, यहाँ रिस्पेक्टेड कमिश्नर की तरफ से यही मांग किया हूँ कि सहिष्णुता के साथ सम्यक व्यवहार किया जाए और सहिष्णुता को बाइज्जत न्यायालय में पेश किया जाए। अब जो है और सख्ती बरतना अच्छा नहीं है। मेरी नाम है आपका? डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल।